चोरी की जाने वाली तीन ऐसी चीजें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चिली में रहने वाले चोर ने सोचा कि वो अपना हाथ एक बड़े ग्लेशियर पर साफ करेगा, इसीलिए वो ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा करके बर्फ चुराया करता था। लेकिन बदकिस्मत से पुलिस ने उसके बड़े रेफ्रिजरेटर ट्रक को सैन डियागो में पकड़ लिया और तब उनको पता चला कि इसमें $4,900 की कीमत जितनी बर्फ थी। ऐसा लग रहा था कि उस चोर ने इस बर्फ को काटकर होटल और बार्स में बेचने का सोचा था। जुलाई 2008 में जमैका आइलैंड पर 400 मीटर लंबा बीच था जो कि रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया कि कैसे बिना किसी की नजर में आए 500 ट्रक रेत की चोरी हो जाती है और वो चोर भी अब तक नहीं पकड़ा जा सका। किसे पता था कि पूरा बीच चुरा कर बच जाना इतना आसान होगा? क्या अब तक आपको लग रहा था कि सिर्फ आपको ही मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है? तो इसे सुनिए। 2017 में एक जापानी व्यक्ति यासुहारो वाकाशिमा टोक्यो के ऑफिस में घुसकर लोगों की मीठी चीजें चुराए करते थे और आखिरकार वाकाशिमा को पकड़ लिया गया। उन पर 250 से अधिक डेजर्ट खाने का आरोप लगाया गया था जिसमें लगभग $50,000 तक का नुकसान हुआ था और इसे कहते हैं ट्रू शुगर लवर।